क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजराइल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी एक तिहाई नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी? यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी है। बाइडेन के विध्वंसकों ने इसराइल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इसराइल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इसराइल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इसराइल पर हमले की धमकी दे रहा था, और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इसराइल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का एक तिहाई हिस्सा इसराइल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं, इसमें कैरियर भी हैं, इसमें परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में भूमध्य सागर को कवर करेगा। परमाणु पनडुब्बी यूएस जॉर्जिया भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर अलर्ट पर है, यानी यहां से ईरान को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किए जा चुके हैं। लाल सागर में भी अमेरिका के वॉरशिप तैनात हैं। यहां से हूथी की मिसाइलों और इसराइल की तरफ लॉन्च होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका इसलिए इसराइल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके साथी मिलिशिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका को पता है कि इसराइल अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका इसराइल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। इस वक्त युद्ध का ट्रिगर ईरान के हाथ से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। अमेरिका ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे साफ है कि वो इसराइल को बचाने के लिए तीसरा खाड़ी युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगले 24 घंटे में बाइडेन को यह फैसला करना होगा कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो उनके टारगेट पर तेहरान के अलावा कौन कौन से शहर होंगे, और क्या ये युद्ध सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया गल्फ वॉर के साथ वर्ल्ड वॉर भी देखेगी। तेल अवीव में बम धमाके की जिम्मेदारी हमास के लेने के बाद इसराइल की सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे ही इसराइल में इस वक्त टेरर अलर्ट जारी किया गया। इसके चलते गाजा की तस्वीरों के बीच इसराइल में धमाकों की खबर ने अमेरिका को भी चौंका दिया।
कहां तो यहां तक जा रहा है कि इसराइल ने हमास के 27 एजेंट घुस चुके हैं। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में फटा बम। टारगेट पर थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री योग गैलेंट को उड़ाने की थी तैयारी। बम किसके लिए था? मौत का पैगाम। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में फटे बम की कहानी नेतन्याहू को यही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है। पहुंचने से पहले ही फट गया, जिसमें उसी शख्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था। सवाल यह है कि ये बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टारगेट कौन था? क्या ये बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था, या इसराइल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराक में था? इसकी डिटेल अभी तक तेल अवीव की पुलिस जुटाने में जुटी है। लेकिन यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीव में इस तरह की कोई घटना हुई है। गाजा में खून खराबे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीव भी दहला, कभी लेबनान के हिजबुल्ला के रॉकेट से, कभी चाकूबाजी से, कि कभी मिसाइल अटैक के पहले के सारण से। इसराइल वॉर मोड में है, लेकिन खुद इसराइल के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इसराइल ने गाजा में ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल में थे शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए। इसराइल बातचीत के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है, गाजा पर हुए हमले उसकी वानगी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इसराइली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। हमले में एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हुई है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण शहर खान यूनिस से इसराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, जो हाल के हफ्तों में तीव्र लड़ाई की जगह थी।